एडजस्टमेंट नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारा बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डे. बैड डेट लॉस है और ये बैड डेट हमें कभी कभी ट्रायल बैलेंस में दिया होते हैं और समटाइम हमें बैड डेट कहाँ गिवन होते हैं एडजस्टमेंट में. अगर बैड डेट हमें गिवन है किस में ट्रायल बैलेंस में, जो सपोज करो बैड डेट गिवन आपको ट्रायल बैलेंस में 350 और डेटर्स गिवन है आपको 60,500 एंड नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं आपके पास, तो आप कैसे कंसीडर करेंगे? इसका ट्रीटमेंट क्या होता है बैड डेट का? एक तो इसे कहाँ दिखा देंगे, P&L में दिखा देंगे और इसे डेटर में से लेस करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी लेस है और डेटर एज इट इज़ बैलेंस शीट में आ जाएंगे. अगर आपको बैड डेट किस में दिया हुआ है, बैड डेट एडजस्टमेंट में गिवन है, एडजस्टमेंट में मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है, क्वेश्चन इज एडिशनल बैड डेट या फिर हम इसको कैसे बोलते हैं फर्दर बैड डेट, और बैड डेट भी हुए हैं फर्दर बैड डेट ₹500. अब प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट कैसे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे लिखेंगे, एक तो बैड डेट इक्वल 350 और ये हमारे जो फर्दर बैड डेट है ये कितने 500, तो टोटल बैड डेट हमारा कितना हो गया 850. बट ये वाले बैड डेट रिकॉर्डेड है ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में कंसीडर्ड है, तो इसका मतलब है लेजर एंट्री हो चुकी है डेटर में से ऑलरेडी, जो डेटर का बैलेंस आ रहा है वो इन बैड डेट्स को माइनस कर कर आ रहा है. लेकिन ये वाले बैड डेट ये रिकॉर्डेड नहीं है, हम इसको ऐसे मानते हैं दीज आर अनरिकॉर्डेड बैड डेट, मतलब ये अनरिकॉर्डेड है, तो इसका मतलब इसका एडजस्टमेंट डेटर में भी होगा. और बैड डेट की एंट्री क्या होती है? बैड डेट डेबिट टू टू डेटर्स अकाउंट. कितना 500. तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे हम, तो प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में 2 बैड डेट, इनिशियल बैड डेट कितना था 350 प्लस अनरिकॉर्डेड है जो एडिशनल बैड डेट, जो रिकॉर्डेड नहीं है. एडिशनल बैड डेट कितने का? हमारा एडिशनल बैड डेट है 500, तो टोटल लॉस कितना हो गया 850. और इस बैड डेट को हम कहाँ माइनस कर देते हैं? बैलेंस शीट में डेटर में से लेस कर देंगे. डेटर्स डेटर्स कितने 60,500 और इसमें से हम लेस कर देंगे बैड डेट जो रिकॉर्डेड नहीं है, ये कितने 500. फाइनली डेटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60,000. ठीक है, तो जो बैड डेट हमें कहाँ दिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिए, उसको क्या करेंगे? जो बैड डेट ट्रायल बैलेंस में दिए उसके साथ ऐड करके टोटल लॉस दिखा देंगे और ये जो हमारे फर्दर बैड डेट है इसको हम किस में से माइनस कर देते हैं डेटर में से माइनस, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट अभी हुई नहीं है. सिमिलर हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी कुछ और होता है और ट्रायल बैलेंस में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. ये क्या है? ये पहले का प्रोविजन है जो ट्रायल बैलेंस में होता है, एग्जिस्टिंग प्रोविजन बोलते हैं. एग्जिस्टिंग प्रोविजन जो हमारे पास बुक्स में है दिस इज 700, मतलब हम ऑलरेडी लॉस बुक कर चुके हैं कितने का 700 का. तो और हमारे बैड डेट इस बार हुए कितने, आप ऐसे कह सकते हो लास्ट ईयर ही हमने एक्सपेक्टेड बैड डेट बुक कर लिए थे कितने 700, हमारा इस साल बैड डेट हुआ कितना 350 ये हुआ और 500 ये वाला हुआ, तो टोटल बैड डेट कितने हो गए 850. ऑलरेडी मैं लॉस कितना बुक कर चुका हूँ 700 तो मैं बुक कर चुका हूँ, तो मुझे एडिशनल लॉस कितना बुक करना है 150 का. तो मैं क्या करता हूँ यहाँ आके इस प्रोविज़न को क्या करता हूँ लेस कर देता हूँ, किस नाम से? एग्जिस्टिंग प्रोविजन, ऑलरेडी प्रोविज़न बना पड़ा है हमारे पास, ऑलरेडी इतना लॉस बुक किया हुआ है हमने, तो जो नेट लॉस है वो हमारे हाथ में कितना आ रहा है 150. तो
तो मुझे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करना है, सबसे पहले टू बैड डेट, जितना मेरा बैड डेट रिकॉर्डेड है, फिर मैं क्या करूँगा उसमें अनरिकॉर्डेड बैड डेट कंसीडर करूँगा, ऐड करके टोटल लॉस, फिर ये सारा लॉस मैं इस साल बुक नहीं करूँगा क्योंकि इसमें से कुछ लॉस मैंने प्रीवियस ईयर बुक किया हुआ है, तो जो प्रीवियस ईयर लॉस बुकिंग है मैं उसे क्या करूँगा, उसे माइनस कर दूंगा, फाइनली मेरे हाथ में नेट लॉस आ जाएगा कितने का, 150. अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमारे पास एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और होती है, और वो किस लिए होती है, नंबर टू, दैट इज़ कॉल्ड क्रिएट प्रोविज़न, ऐसे लिखा होता है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेट. इसका मतलब ये मुझे प्रोविज़न अब किसके लिए क्रिएट करना है, जो फ्यूचर में अब मेरे बैड डेट है, ड्यू टू प्रूडेंस मुझे एक्सपेक्टेड बैड डेट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रोविज़न बना के रखना पड़ेगा. तो यहाँ पर मुझे कितना प्रोविज़न बनाना है, मुझे 5% का प्रोविज़न बनाना है, और मेरे नेट डेटर कितने मेरे हाथ में, थोड़ा ऊपर कर दो, जो मैंने पहले लिखा था. आप ठीक है, ऊपर वाला दिखाऊंगा, इससे ऊपर रजिस्टर जाएगा नहीं, आप आ जाओ, नहीं जाएगा, मैंने लास्ट चांस. ठीक है, इसमें देखो इसके नीचे मैंने और कुछ लिखा भी नहीं है, तो इसमें क्या लिखा है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर, मतलब ये आपको क्या बनाना है, न्यू प्रोविजन बनाना है, वो भी किसके लिए, आने वाले टाइम में जो लॉस होना है, मतलब फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेड डाउटफुल है, मतलब आपको लगता है कि इतना पैसा और डूब जाएगा, तो उसके लिए आपको प्रोविजन किस रेट से बनाना है, उसके लिए प्रोविजन आपको किस रेट से बनाना है, 5% के रेट से बनाना है, मतलब आपको लगता है कि आपके 5% डेटर आप फ्यूचर में पैसा नहीं देंगे, ये एक्सपेक्टेड है, कईयों का 5 होता है, कईयों का 2 होता है, कईयों का 2.5%, जितना भी आपको एक्सपेक्टेड है कि इतना डेटर समय पैसा और नहीं आएगा, तो मैं क्या करूँगा, ये भी लॉस बुक करूँगा, तो मुझे प्रोविज़न क्रिएट करना होगा. तो जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊँगा, इसमें क्या ऐड कर दूंगा, ऐड करूंगा मैं न्यू प्रोविजन, और न्यू प्रोविजन मुझे कितना बनाना है, 60,000 मेरे नेट डेटर बनाना है, तो 60,000 का क्या, 5%, तो 60,000 का 5% कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3,000. तो मुझे टोटल इस साल जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्टमेंट बुकिंग करनी है, मुझे जो लॉस बुक करना है वो कितना बुक करना है, 3,150, और मेरी एक्सपेक्टेड डेटर की जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो कितना आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,000, और मेरे नेट डेटर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 57,000. तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में बुकिंग कैसे करनी है, सबसे पहले बैड डेट, बैड डेट के बाद फिर मुझे ऐड करने हैं, अगर कोई एडिशनल बैड डेट है वो ऐड करना है, फिर अगर कोई मेरे पास एग्जिस्टिंग प्रोविज़न है तो एग्जिस्टिंग प्रोविज़न है वो मैं लेस कर दूंगा, वो इसलिए लेस करूँ, इतना लॉस मैं पहले से ही बुक कर चुका हूँ, मुझे और लॉस एक्स्ट्रा बुक करना है कि एक्स्ट्रा कितना हुआ है. तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये वाला लॉस ज़्यादा हो, पहले से बुक कर रखा हो सकता है ये वैल्यू फाइनली आपके हाथ में नेगेटिव आ जाए. अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो आप एक काम करना, ये चीज़ यहाँ लेस मत करना, इसको कहाँ ले आना, इसको क्रेडिट साइड में ले आना, फिर माइनस मत करें. जैसे सपोज करो ये बहुत ज़्यादा, मतलब ऐड करने के बाद भी ये वाली फिगर ऐड करने के बाद भी नेगेटिव बन रहे, तो आप इसे फिर यहाँ माइनस ना करें, इधर लें, या फिर फाइनल फिगर नेगेटिव ही कंसीडर कर लें. अगर फाइनल फिगर नेगेटिव भी तो आ सकती है, जैसे सपोज करो यहाँ 7,000 आ जाए, तो अगर ये 7,000 है फिर तो सारी वैल्यू फाइनल मेरे पास एडजस्टमेंट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, या तो मैं उसे यहाँ नेगेटिव ही मान लूँ, या फिर जो ओल्ड प्रोविज़न में जहाँ जो माइनस कर रहा हूँ इस ओल्ड प्रोविज़न को मैं कहाँ ले आऊँ, क्रेडिट साइड लें, फिर मैं माइनस ही करूँगा, फिर तीन चीज़ें ऐड कर लूँगा, बैड डेट, एडिशनल बैड डेट, और क्या कर लूँगा, न्यू प्रोविज़न ऐड कर लूँगा. इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट ना करके कहाँ पर दिखा दूँगा मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ दिखा दूँगा, इसे क्रेडिट साइड मेंशन कर दूँ. ठीक है, अब एक बात बस ये ध्यान रखनी है कि डेटर पे जो दो एडजस्टमेंट होती है, एक डाउटफुल डेट वाली और एक डिस्काउंट प्रोविज़न वाली, सेकेंड लास्ट हमेशा कौन सी करना, डाउटफुल डेट, और लास्ट कौन सी करनी है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट. इससे पहले जितनी एडजस्टमेंट है सब कर लेना. परसेंटेज जब कैलकुलेट होगा तो पहले आप हमेशा किसका करेंगे, डाउटफुल डेट का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद आप किसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट का. रीज़न पहले आप जैसे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट में क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको डेटर को कितना डिस्काउंट देना है, तो सबसे पहले आप ये तो निकाल लें पैसा कितना आना है,
मतलब आप डाउटफुल जो है उनको निकाल देना, मतलब अगर मैं ऐसे बोलूँ अगर मैंने पहले प्रोविज़न किसका बनाया डिस्काउंट का और उसके बाद मैंने प्रोविज़न बनाया किसका बैड डेट का, तो इसका मतलब मैंने डिस्काउंट की प्रोविजनिंग उन लोगों के लिए भी कर दी जिनसे मुझे पैसा नहीं आना, तो इसका मतलब है सीक्वेंस हमेशा ऐसे चलेगा। सेकेंड लास्ट एडजस्टमेंट कौन सी करनी है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, और लास्ट एडजस्टमेंट कौन सी करेंगे, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट वाली। इससे पहले बहुत सारी और एडजस्टमेंट है वो हम कर लेंगे, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप बताएं मुझे, इसमें कोई जो परसेंटेज कैलकुलेट होगा वो बैड डेट माइनस करके आएगा, फर्दर वाला, फर्दर वाला और जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी सब करके आएगा। जैसे बी आर डिसऑनर, अगर बिल डिसऑनर की एडजस्टमेंट है तो वो भी करनी पड़ेगी, गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल है वो भी, मतलब जितनी डेटर पे पहले एडजस्टमेंट हो जाती है वो पहले करनी है आपको। मतलब सीक्वेंस है एग्जाम में आगे पीछे दिया हो, मैं आपको बता रहा हूँ एज ए स्टूडेंट आपको याद रखना है लास्ट एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट वाला करना, क्योंकि परसेंटेज के एक्यूरेट कैलकुलेट होकर आता है, और प्रोविजन फॉर बैड डेट वाली एडजस्टमेंट सेकंड लास्ट करना, बाकी जितनी मर्जी डेटर पे एडजस्टमेंट वो पहले कर लेना, क्योंकि बाकी सब परसेंटेज में होती नहीं, जो परसेंटेज कैलकुलेशन आता है वो दो ही आते हैं, एक प्रोविजन फॉर बैड डेट वाला और एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट वाला, ठीक है। बैड डेट इसलिए पहले करते हैं क्योंकि पहले जो डाउटफुल है पहले उनको निकाल दो ना, फिर डिस्काउंट की प्रोविजन तो आप उनके लिए करो जिन पे आपको कन्फर्मेशन है पैसा आएगा। अगर आप पहले डिस्काउंट का प्रोविजन बनाओगे फिर बैड डेट का बनाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, आप उनके लिए भी प्रोविजन बनाओगे जिनके आपको पैसे आने नहीं, उनके लिए थोड़ी डिस्काउंट का प्रोविजन बनाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं पहले बैड डेट वाला बना देते हैं, पहले कन्फर्म तो पैसा किससे आना है, तो पैसा इनसे आना है। अगर मुझे डिस्काउंट देना तो मुझे डिस्काउंट की प्रोविजनिंग भी तो किसके लिए करनी पड़ेगी, जिनसे मुझे चांस है कि मुझे पैसा मिलेगा। तो मैं हमेशा क्या करूंगा बैड डेट का प्रोविजन पहले बनाऊंगा, फिर उसके बाद किसका प्रोविजन बनाऊंगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाएंगे, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन बचे, अगर मुझे इसकी जर्नल एंट्रीज करनी तो कैसे होंगी, सबसे पहले बैड डेट वाली, बैड डेट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, दिस इज द एडजस्टमेंट फॉर बैड डेट नंबर टू। अब इस बैड डेट को हम प्रोविजन से एडजस्ट कर देते हैं, मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट बनाने के लिए भी आता है। तो इसलिए नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू टू बैड डेट नंबर थ्री, और ये हो जाएगा आपका बीइंग बैड डेट रिकॉर्डेड, जो अनरिकॉर्डेड वाले थे इससे वो रिकॉर्ड हो जाते हैं बीइंग बैड डेट एडजस्टेड विद प्रोविजन फॉर बैड डेट, एंड द लास्ट वन हम जो प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। सबसे पहले बैड डेट बुक करेंगे, ये बैड डेट का लॉस है, फिर उसके बाद ये प्रोविजन से सेटअप हो जाएगा, फिर उसके बाद पी एंड एल टू, ये न्यू प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री होगी, और नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ, अगर बैड डेट हमारा एक्सीड कर जाता है प्रोविजन को तो फिर वो बैड डेट आपको कहाँ डालना होगा पी एंड एल में, तो वो फिर एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। ये कौन सा बैड डेट है, बीइंग बैड डेट नॉट सेट ऑफ अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रांसफर टू पी एंड एल, ठीक है। तो पहले बैड डेट का लॉस बुक होगा, फिर हम अपने जितने बैड डेट हैं उससे एडजस्टमेंट करेंगे,
जो प्रोविज़न ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग प्रोविजन से सेट अप कर लेंगे। फिर थर्ड एंट्री ये करेंगे कि जो हमारे अगर बैड डेट एक्स्ट्रा हैं, जो हमारे लास्ट प्रोविजन से एडजस्टमेंट नहीं कर पाए हम लोग, वो बैड डेट हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, P&L में। और लास्ट हमारे पास जो हमें न्यू प्रोविज़न क्रिएट करना है उसकी एंट्री होगी। अगर मैं इसी क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज करूँ तो कैसे होगी, इसी क्वेश्चन में हमारा बैड डेट की एंट्री कितने से होगी, जो फर्स्ट एंट्री होगी बैड डेट वाली, बैड डेट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये कितना लॉस है 500 बीइंग बैड डेट रिकॉर्डेड। नंबर टू, अब टोटल बैड डेट तो मेरे पास कितना हो गया 850 हो गया, इसको मैं प्रोविजन सेट अप कर लूँगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू बैड डेट। अब प्रोविजन अकाउंट में हमारे पास पैसे थे कितने, प्रोविजन में थे 700, तो 700 की एडजस्टमेंट हो गई बीइंग बैड डेट एडजस्टेड। विथ प्रोविजन, जो प्रोविजन आपने क्रिएट किया था उसे एडजस्ट कर देंगे। नेक्स्ट नंबर थर्ड, अब जो बैड डेट आपको कहाँ डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट, दैट इज 850 माइनस 700, 150 यहाँ एडजस्टमेंट हो जाएगा। एंड द फोर्थ, प्रोविजन क्रिएट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। ये न्यू प्रोविजन कितना था 3000, 60000 का 5%, ठीक है। तो ये चार इंटरेस्ट हो